देश भर में लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के मद्देनजर बिहार में भी लगातार कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े को लेकर लॉकडाउन लगाया गया। और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मुसीबत किसी को होती है तो वो है गरीब और लाचार लोगों को, और सबसे ज्यादा खाने पर आफत बनाती है, जिसको लेकर सरकार ने सामुदायिक किचन की शुरुआत की है और इसके जरिए तमाम गरीब, बेसहारा और लाचार लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में गरीब और लाचार को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार शरीफ नगर निगम द्वारा शहर के कई इलाकों में सामुदायिक किचन की शुरुआत कर दी गई है। इसके तहत बिहार शरीफ रामचंद्रपुर बस स्टैंड, कारगिल बस स्टैंड महल पर समेत अन्य रैन बसोरों में लोगों को दोपहर का खाना खिलाया गया, जिसमें दाल, सब्जी और चावल परोसा गया। खाना खाकर गरीबों ने कहा कि लॉकडाउन में रोजी रोटी पर आफत आ जाती है, इस दौरान कमाई नहीं होने से भूखे पेट रहना पड़ता है। सरकार ने खाना की व्यवस्था कराकर उन लोगों पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी की है, इससे भरपेट खाना मिल सकेगा। इस मौके पर बिहार शरीफ नगर निगम के नगर आयुक्त अंशुल अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सामुदायिक किचन की शुरुआत कर दी गई है, जो 15 मई तक जारी रहेगी। इस सामुदायिक किचन के माध्यम से गरीब और लाचार लोगों को दो वक्त खाना खिलाया जाएगा। लगातार बढ़ते कोरोना प्रकोप की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, और अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो सरकार सामुदायिक किचन को भी बढ़ाने का फैसला ले सकती है, ताकि इसको लेकर किसी को भी किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोग उपवास के खाना खिला रहे हैं। कहाँ पर खिला रहे हैं, किस चीज को लेकर खिला रहे हैं? अच्छा, कहेला नगम निगम से खाना आया है। नगम निगम से हम लोग हैं, इसलिए खाना खिलाना पड़ रहा है। कितना लोग कब तक खिला चुके हैं? कम से कम 50 आदमी से ऊपर खा लिया। क्या क्या खिला रही हैं? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी जी। क्या चीज का सब्जी है? आलू पटल है। दाल क्या चीज का दी है? दाल है लहर का। लहर का दाल है जी। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी।